The angles of a triangle are in AP and the number of degrees in the least, मतलब छोटे एंगल में वो किस में लेना हमने डिग्रीज में, is to mean ratio है, number of radians in the greatest, जो बड़ा एंगल है उसको radians में कन्वर्ट करना है, as to 62 pi, ratio दिए 60 ratio pi, किसके छोटा एंगल अपॉन बड़ा एंगल, मतलब smallest angle in degrees upon greatest angle in radians is equal to 60 upon pi. एंड देन हमें क्या करना है, देन द एंगल्स इन डिग्री, वो एंगल्स कौन से होंगे ये आपको बताना है. ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं आपको पता है, तो इसी तरह से किसी ट्राइंगल में आपके पास तीन एंगल्स होते हैं तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो सेम हम ऐसे ही करेंगे यहाँ से, लेट थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर, कौन कौन से लेंगे, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी. आपको पता है एपी में अगर तीन नंबर लेने हो, थ्री नंबर्स लेने हो, तो कौन कौन से लेते हैं, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी. तो इन सब का सम हमारे पास होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल में एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. यहाँ से डी और डी कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, a हो गया 60 डिग्री. तो देखो एंगल्स आर, एंगल्स जो बने हमारे पास वो कौन कौन से बने, 60 माइनस डी डिग्री, 60 डिग्री, 60 प्लस डी डिग्री. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए हमें क्या चाहिए, कहता है कि जो स्मॉलेस्ट लीस्ट एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल वो किस में चाहिए, डिग्रीज में, नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट. तो स्मॉलेस्ट तो है ही, स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू, ये हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ से जो छोटा है वो कितना है, 60 माइनस डी डिग्री, ये ऑलरेडी डिग्रीज में है. नेक्स्ट ग्रेटेस्ट जो एंगल बोला है उसने, वो बोला किस में लेना है, रेडियंस में. ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू, वो हमारे पास था 60 प्लस डी डिग्री, लेकिन उसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियंस में, क्वेश्चन में रेडियंस बोला गया है तो रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे. तो आपको पता है कि पाई रेडियंस होता है 180 डिग्री, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई अपॉन 180, ये 180 इसके नीचे आ गया, रेडियंस. तो मीन्स हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, 60 प्लस डी इंटू 1 डिग्री की जगह पे क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियंस. जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा हम करेंगे, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये हमारे पास बन गया 60 प्लस डी इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस. ये अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. हमारे पास जो दिया है उसमें क्या था, स्मॉलेस्ट एंगल अपॉन ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल जो है इन दोनों की रेशियो जो किसके इक्वल दी है क्वेश्चन में, 60 to pi, मीन्स 60 अपॉन पाई. तो स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल हमारे पास कितना है, 60 माइनस डी, और नीचे जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो कितना है, 60 प्लस डी इंटू पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू 60 अपॉन पाई. अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 180 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ बनेगा, यहाँ करते हैं 60 माइनस डी एज इट इज, पाई 180 ऊपर चला गया, 60 माइनस डी इंटू 180 अपॉन नीचे है 60 प्लस डी, 60 प्लस डी इज इक्वल टू इधर है 60, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18, ये आ गया 60 माइनस डी इंटू 3 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, उधर 1 है तो 1 के साथ ये बनेगा 60 प्लस डी. नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे, 180 माइनस 3d इज इक्वल टू 60 प्लस डी, तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 3d उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, मीन्स 4d इज इक्वल टू 120, तो d हमारे पास आ गया 120 अपॉन 4 30, डी 30 आ गया. तो देयरफॉर एंगल्स आर, जो एंगल ये थे यहाँ पे डी को हम 30 पुट कर देंगे, देयरफॉर एंगल्स आर, एंगल्स हमारे पास होंगे क्या थे, ये देखिए 60 माइनस डी, 60 माइनस 30 डी डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 प्लस डी, ये मीन्स बना आपके पास 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, दैट इज ऑप्शन बी.